अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप कैसे हैं? आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है घर में बना हुआ चेवड़ा। ये बहुत आसानी से बन जाता है। चले आएँ रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने 2 कप चेवड़ा लिया है, इसको आप पोहा भी कह सकते हैं। आप 1/4 कप बादाम और 1/4 कप काजू, एक कप पीनट्स, किशमिश 1/2 कप। अब एक कढ़ाई लेंगे और इसमें तेल गरम करने के लिए रख देंगे। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा कि आपका चेवड़ा जितना तेल गरम होगा आपका चेवड़ा इतना अच्छा बनेगा। अगर आप ठंडे तेल में चेवड़ा डाल देंगे तो ये सारा तेल खा लेगा और आपका चेवड़ा अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए तेल बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। देखें जी, तेल गरम था तो ये साथ ही साथ फूल के ऊपर आ गया। अब इसको निकाल लेंगे। अब ये जो बचे हुए पौवे हैं इनको तेल गरम करके इसके अंदर डाल दीजिए। एक चीज़ नोट कर लीजिएगा कि जब हम पौवे एक बार फ्राई करते हैं तो तेल वापस ठंडा हो जाता है, इसलिए तेल को दोबारा गरम करके इसके अंदर चेवड़ा डाल दीजिएगा। अब इसको निकाल लीजिए। अब इसके अंदर 20 से 25 अदद कड़ी पत्ते फ्राई कर लेंगे। अब चूल्हे की आंच मीडियम कर देंगे और इसके अंदर जो हमने काजू और बादाम रखे थे वो फ्राई कर लेंगे। एक चीज़ नोट कर लीजिए, जो हमने चेवड़ा फ्राई किया था वो फुल आंच पे किया था और काजू बादाम और मूंगफली को हम मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे। हमारे काजू और बादाम फ्राई हो चुके हैं, अब इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी तेल में हम मूंगफली डाल देंगे। काजू बादाम फौरन फ्राई हो जाते हैं मगर मूंगफली को 5 से 6 मिनट फ्राई होने में लगते हैं। देखें इसने कलर चेंज कर लिया है, अब इसको निकाल लेंगे। देखें जो मैंने चेवड़ा फ्राई किया था इसके अंदर बिल्कुल तेल नहीं है, ये एकदम सूखा हुआ है। अब इसके अंदर 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक हसबे जायका। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर कड़ी पत्ते जो फ्राई किए थे वो डाल देंगे और किशमिश। अब जो हमने फ्राई की हुई बादामे रखी थी, काजू रखे थे, पीनट्स रखे थे, वो सब एक एक करके डालते जाएंगे और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मैंने चीनी नहीं डाली, आप चाहें तो चीनी डाल सकते हैं। हमारा चेवड़ा तैयार है, अब इसको टाइट कंटेनर में भर लें। हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।